suggested. तीसरा मोमेंट जो विकास की रेल रुकी हुई थी वो बहना शुरू हो गई और यहाँ पे जो भी लग रहा राममय माहौल है और बीजेपी को लोग वोट कर रहे हैं और यहाँ का प्रत्याशी जो सुरेश अवस्थी है वो जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। बिल्कुल इतिहास टूटेगा इस बार का जीते यहाँ पे सुरेश अवस्थी जीतेंगे। 25 साल का सूखा खत्म होगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और देश की जनता ने जातिवाद को अलग करते हुए विकासवाद की राजनीति को मानते हुए और मोदी जी और योगी जी की योजनाओं को सर माथे पर रखते हुए अपना जो है निर्णय लिया है और आज बहुत अच्छे से वोट हो रहा है और शाम तक आपको जीत की मिठाई मिलेगी। मैम आपका नाम क्या है? निधि निगम। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? सब कुछ बहुत ही अच्छा है, जब से देख रहे हैं जब से ये सरकार आई हुई है सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। मुद्दों के नाम लेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा लेकिन बहुत अच्छा, हमारा देश बहुत प्रगति पर है इस टाइम। मैं यही चाहते हैं आज की लड़कियां आज की नारी सब बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है और बहुत ज्यादा हम धन्यवाद करेंगे इस उसका मतलब जो सरकार है बहुत ज्यादा हम लोग के लिए करें। भाई देखिए ये बताना तो उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से लेकिन जो ये सरकार है बहुत ही बढ़िया है। हम सब लोग बाकी जितने भी लोग हैं जिनसे मिलती हूँ जुलती हूँ सब बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जनता पब्लिक चाहेगी तो ठीक है, बाकी अकेले के चैनल नहीं होता है, एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता है ना, सब लोग मिल करके एकजुट होकर के। बाकी सरकार बहुत अच्छी है, अभी कोविड हुआ किसने साथ दिया? सरकार ने दिया है, मिडिल क्लास के लोग भूख को मर रहे थे सबको जाकर के जनसेवा की तो किसने किया? इसी सरकार ने किया ना, तो सुरक्षित सरकार बेहतर है। बहुत बढ़िया, हमारी लड़कियां हमारे सब बहुत सुरक्षित है। गुंडा राज खत्म। वोट दिया क्या था? कल तो उत्साह था, आपसे बात करके जनहित में जारी कर रहे हैं, हम स्पीच दे रहे हैं बता रहे हैं वोट डाल के आओ, वोट सबसे पहले वोट सबको उत्साह कर रहे हैं, फिर बाद में अभी हमने जलपान भी नहीं किया है, बाद में जलपान होगा। और इतना तो हर युवा को मालूम होना चाहिए सरकार कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है और लालच में आना भी नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार प्रसाद। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? वोट डाला देखो खड़े जी में डाला है, जो साफ बात है मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, चरम पर को मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या खूबी है इसमें आपने ये पहना भी रखा? ये पहना है बहुत अच्छा है, हम लोग साथ कर रहे हैं, जो करेंगे कोई सरकार नहीं कर पाएगा। जो गरीबों को खुश रहो, जो गरीबों को अच्छी चलो राशन दे रहा, थोड़े के थोड़े चावल मिलते थे, 10 साल अगला राज किया क्या हमको दिया? बिल्कुल बदला होगा, एक में दोबारा होगा तिबारा होगा, इतिहास दोहराया जाए आपको। विवेक दीक्षित। अच्छा आपने पहली बार मतदान किया? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा तो किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? मुद्दे आज के समय में सिर्फ सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो वो यही है कि आने वाले समय को और आने वाली पीढ़ियों को हम लोग क्या देकर जाना चाहते हैं, उस हिसाब से जब देखते हैं कि हमारे भविष्य की जो चिंता कर सकता है हमें उसी प्रत्याशी को आगे जिताना है। अच्छा, और तब हमारी नजर जब भी जाती है तो भाजपा सरकार पे जाती है। अच्छा ये देखो रवि किशन सांसद जी ने जो कहा था कि हिंदू जाग गया है, तो क्या आप कैसे मानते हैं इस चीज को? इस बात को हम ये देख के मान सकते हैं कि जो आने वाले, मैंने जो आपसे कहा है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पे ध्यान देकर, और हिंदू जागने का अर्थ सिर्फ इतना है कि मानवता का जागना। तो क्या लगता है कि ये इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा? ये इतिहास बिल्कुल नहीं दोहराया जा सकता, हिंदू जागने का मतलब ही यही है कि मानवता जाग रही है और मानवता जागेगी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के दम पर जाग सकती है और उसी का मतदान आज ये हो रहा है। भैया आपका क्या नाम? आकाश कुमार। क्या पहली बार मतदान किया आपने? नहीं दूसरी बार। अच्छा तो किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया होगा? मुद्दों क्या? बीजेपी को जिताना है, हिंदू राज बनाना है। बीजेपी को क्यों जिताना है, क्या मकसद है आपका? वो हिंदू राज बनाने पर है, इसलिए। क्या हिंदू जाग चुका है? क्या हिंदू बिल्कुल जाग चुका है। और ये कटोगे इसके विषय में आप? इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ मुझे हिंदू राज बनाना है। परिचय दीजिए। मैं उमेश निगम, प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सदस्य हूँ। इस उपचुनाव में राम मार्ग सेक्टर के प्रवासी के रूप में पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं। सर इस समय कितने परसेंट लगभग मतदान हो चुका है?
अभी थोड़ी देर पहले पता किया था तो 15-16% था, करीब एक डेढ़ घंटे पहले की बात है, अब हो गया होगा 20-22 करीब 25%। और जो उत्साह इस बार देखने को मिला है, मैं 17 में भी यहाँ का प्रभारी था विधानसभा का, लेकिन परिस्थितियां बदली है, कार्यकर्ताओं में जनता में जो इस बार बदलाव की जो लहर है वो कुछ हमारे संगठन की भी उसमें कही जाए, माननीय अनूप गुप्ता, माननीय सुरेश खन्ना जैसे लोग उनका प्रवास, उसका असर अभी हम लोग बात आपस में कर रहे थे, हमारे साथ ही परमानंद जी है, उदित जी, हम लोग सब लोग बात कर रहे थे अभी कि बड़े लोगों का रहने का ये असर होता है कि आज चुनाव का जो माहौल है, आप तो बहुत जगह गए होंगे, जितना हमने देखा बहुत जगह गए नहीं है, लेकिन मैं अगर यही की बात करूं तो यहाँ 16 बूथ है हमारे हरसाए में, आप देख लीजिएगा कि पिछली बार से कम 10-15% से ज्यादा मतदान सब निश्चित होगा, यही हमारी पूरे कानपुर में पूरे सीसामऊ में जीत का आधार बनी। जैसे कि सर रवि किशन ने रैली किया था, उन्होंने कहा था हिंदू जाग चुका है, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे, लोग जागरूकता लोगों में कुछ हुई है? बिल्कुल, इसका असर ये दिख रहा है कि आज सुबह से जो दिख रहा है कि बड़े बुजुर्ग जोड़े में 6 बजे आ गया था, हमारे सेक्टर संयोजक थे, 6 बजे सुबह के बाद से करीब 10 लोग आए, तो वोट हम लोग 7 बजे नहीं था, और वो लोग कह रहे थे कि हमारा नंबर बताइए, ये इसका द्योतक है कि लोगों में कितना परिवर्तन का, और हिंदू जो ये हम लोगों ने बार बार बात की है कि हम एक रहेंगे तो नहीं कहेंगे, इस एकता का परिचय आज दिख रहा है, 23 तारीख को इसका परिणाम दिखाई। सर पैरों से जो थोड़ा सा लाचार है तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? हमारे प्रत्येक बूथ पे एक एक ई रिक्शा सबको इलाज किया गया है, बराबर में देख रहा था अभी सेक्टर संयोजक ने नाम नोट कर रखा है, जहां से सूचना आती है तुरंत रिक्शा भेजा जाता है, और हर जगह वाहन प्रमुख, हमारे हर बूथ का वाहन प्रमुख अलग बना है, वो वाहन उन लोगों को ला रहे हैं। मेरा नाम परमानंद शुक्ला है, मैं शिक्षक प्रकोष्ठ में संयोजक हूँ। सर इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, क्या माननीय मोदी जी और योगी जी के सुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो उन्होंने मुहिम चला रखी है, आज उसका परिणाम हमको सीसामऊ विधानसभा के बूथों पर दिखाई दे रहा है। बड़े उत्साह के साथ में वृद्धजन, प्रबुद्धजन, शिक्षक जन और महिलाएं निकल कर आ रही हैं और वोटिंग के लिए, मतलब ऐसा तो उत्साह जो इन हमारी टेबल्स में दिख रहा है ऐसा हमने पूर्व के उसमें नहीं देखा, पूर्व के निर्वाचन में नहीं देखा। इस बार वास्तव में सीसामऊ की जनता परिवर्तन ला रही है, और निश्चित रूप से इस विधानसभा में, सीसामऊ विधानसभा में कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। क्या मतलब इतिहास पलटेगा? इस बार इतिहास पलट जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने सुशासन की लहर देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, इस सभी विधानसभाओं में चला रखी है, उसका परिणाम आज ये है कि हिंदू जाग चुका है, सब लोग संगठित हो चुके हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो चुके हैं। मतलब क्या ये इनका नारा हिंदू कटेगा कटेगा और हिंदू जाग चुका है, आपको कैसे लगता है कि मतलब सही है? मतलब बटेगा, मतलब हम जब बटते हैं तो हमारे देश की सीमाओं पर, हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर और हमारे सामाजिक सामाजिक जो संरचना है उस पर असर पड़ता है, इसलिए माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने नारा दिया कि हमें संगठित रहना है, और जब तक भारतवर्ष, हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज जब तक संगठित रहा है तो शक्तिशाली रहा है, और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से हम आगे की ओर बढ़े हैं। आज हमारा देश पूरी दुनिया का सिरमौर बनने के लिए तत्पर है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज हम सभी संगठित। शैलेंद्र कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त है, ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी विजयनगर कानपुर। हमें लगभग जो है 45 साल, राजनीति बदला हुआ माहौल है, बिल्कुल नई ताजी हवा आ रही फर्स्ट क्लास, और बदला हुआ माहौल है, अब हम लोग जागरूक होते हैं। देखो ये अब एक अहम विषय है, आदमी शिक्षित हो चुका है, शिक्षित के ऊपर तो नहीं पड़ेगा और मूर्ख के ऊपर तो पड़ेगा ही। हिंदुस्तान में भेड़िया जो था ना उनके ऊपर पड़ेगा। भाजपा विजयी अनुभव शुक्ला, क्या लग रहा है?
भाजपा नहीं लड़ रही, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। आप देख लीजिए आपके सामने ही अभी प्रशासन बस्ते के पास यहाँ भीड़ क्यों बनाए, उधर कहीं भीड़ के लिए नहीं देख रही है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के बस्ते के तरफ भीड़ के उनको दिख रहा। जैसे कि अभी आप क्या फर्क पड़ेगा, वो जब 23 तारीख आएगी अगर निष्पक्ष चुनाव होएगा तो आपको उस दिन 23 तारीख को काउंटिंग में दिख जाएगा। चुनाव नसीम सोलंकी जीत रही है। लाहौर जैसा वोटर पहले भी जैसे इरफान को वोट देता चला रहा, वैसे उसके प्रति सिंपति लोग वोट दे रहे हैं। बिल्कुल दोहराएगी, वोटर मिलेगा उसको। बंद कर दिया उसके पति को, उसके पति को बंद कर दिया तो सिंपैथी वोट और मिलेगा। अरे उसके पति को नाजायज बंद कर दिया झूठे मुकदमे में तो उसको सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा। जनता क्या, आप खुद सोचो, माइंड तो आप भी रखते हो। क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रही है? साइकिल निकलेगी। हाँ, रवि कुमार यादव। गायत्री मिश्रा, क्या लगता है इसकी बात? क्या बता रहे, अरे हम तो 47-48 साल से रहे, 48 सालों में आपकी बात क्या बदलाव देखा? अब हम बदलाव क्या बताएं भाई। अच्छा वैसे किन मुद्दों पे आपने ध्यान में रखे? अब विकास के मुद्दों पर ध्यान दिया भाई, विकास होगा और क्या।